नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, आर्टिकल हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित है। गहराते बादल, इसके संपादक हैं TN नायनन। चलिए तो इसे देखते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था पर छाए संकट के बादल घने होते जा रहे हैं। मोदी ने भारत को लेकर अपनी रेटिंग में जो चेतावनी दी है, वह पहले से कमज़ोर आर्थिक संभावनाओं में आ रहे हैं और अधिक बदलाव को चिन्हित करना ही है। याद रखिए, मूडीज एक हर देश की अर्थव्यवस्था को नंबर प्रोवाइडिंग करता है। मतलब कोई अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है तो इस हिसाब से नंबर देती है, तो अर्थव्यवस्थाओं का ये निर्धारण करती है सीधा। मतलब आमतौर पर रेटिंग एजेंसी है ये, ठीक है, याद रखिए रेटिंग एजेंसी है। धीमी गतिशील से प्रतिक्रिया देती है। पूर्वानुमान लगाने वालों में से अधिकांश ने यह आशा जताई थी कि जुलाई सितंबर तिमाही के बाद अर्थव्यवस्था में मामूली सुधाई दे सकता है, भले ही आधार अवधि में बदलाव के कारण। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो, क्योंकि इस मंदी के अपने तमाम कारण हैं। राजकोषीय संकट उत्पन्न हो रहा है। वित्त आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद उजागर हो सकता है, खास तौर पर उस स्थिति में जब वह केंद्र सरकार के भारी भरकम बकाया बिल, छिपे हुए व्यय, राजस्व में कमी, तमाम ऐसे कारणों से राज्यों की कर हिस्सेदारी वापस चाहता हो। सरकार वोट जुटाने के लिए नागरिकों के अनुकूल कार्यक्रमों पर व्यय कर रही है। इसकी शिकायत भला किससे की जाए? लेकिन वे कदम कहाँ हैं जिनकी बदौलत इनके लिए धन जुटाया जाएगा? पूंजी का या तो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या उसे नष्ट किया जा रहा है। वित्तीय क्षेत्र डूब रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र ढेरों नकदी गड़प रहा है। ताज़ा मामला दिवालिया दूरसंचार कंपनियों का है, जो वेतन तक देने की स्थिति में नहीं है। रेलवे में ढेर सारी नकदी लगी है, लेकिन आवाजाही या राजस्व के मोर्चे पर कोई खास बढ़ोतरी नज़र नहीं आती। दिवालिया प्रक्रिया का हिस्सा अलग ही है। गैर जवाबदेह किस्म के मुख्यमंत्री ऊर्जा अनुबंध रद्द करके पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों का कुप्रबंधन करने वाले नियामक, मसलन दूरसंचार क्षेत्र के नियामक आदि ने भी पूंजी की क्षति पहुंचाई है। सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसे मामलों में कोई मदद नहीं कर सक पाया। मूल बात यह है कि अर्थव्यवस्था को वृद्धि संभावनाएं अभी भी उच्च बचत और निवेश दर में निहित हैं, लेकिन यदि निवेश की गई राशि बिना किसी सुराग के डूब जाए, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है? अचल संपत्ति क्षेत्र की कहानी भी इससे अलग नहीं है। सबसे बड़ी चिंता है, अस्वस्थ ना होते हुए भी ऐसे आरोपों को नकारे जाने की। बड़े क्षेत्रीय कारोबारी समझौते से बाहर रहने का भी निर्णय शायद कोई विकल्प ना होने की स्थिति में लिया गया। परंतु यह दर्शाना मूर्खतापूर्ण है कि यह सियासी नेतृत्व का उदाहरण है। जब बांग्लादेश के पूर्व में स्थित हर देश इसमें शामिल हो और भारत नहीं, तो यह बताता है कि गड़बड़ी भारत में ही है। यह बीते 5 साल में नेतृत्व की नाकामी दर्शाता है, यह सुधार की कमी है और बताता है कि हम सबसे बड़े और तेज विकसित होने में होते क्षेत्र के साथ एकीकृत नहीं हो पाए। पिछले कुछ व्यापार समझौते भारत के पक्ष में कारगर नहीं होने इसको लेकर दी जा रही दलील गलत है। उनसे थोड़ा फर्क तो पड़ा है। भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों की भरमार हो जाने की आशंका वास्तविक हो सकती है और नहीं भी, लेकिन चीन के साथ व्यापार घाटा केवल आधी कहानी ही है। भारत का इस क्षेत्र को अमूमन हर एक के देश के साथ बड़ा व्यापार घाटा है। ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे के लिए दरवाजे खोलने का मतलब कृषि क्षेत्र को खोलना। न्यूजीलैंड के मामले में यह डेयरी उद्योग और आसियान देशों के मामले में दूसरे कृषि उत्पादों के लिए अपने दरवाजे खोलना है।
एक्टिंग ईस्ट के बजाय अपना तवज्जो लुकिंग वेस्ट पर लाने के लिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने आसान नहीं होंगे, खास कर उस समय जब विश्व व्यापार संगठन में व्यापारिक विवादों पर शिकस्त मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि हम बाद में आरसेप का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर जीत दर्ज करने वाले लॉबी समूह संरक्षणवादी हैं, तो वे सरकारी नीति निर्माताओं पर अपना नियंत्रण क्यों कम कर देंगे? आयात शुल्क में कटौती, कृषि उत्पादकता को दोगुना करने और बिजली दरों में क्रॉस सब्सिडी खत्म करने के लिए हमारी तैयारी की कार्ययोजना और समय सीमा कहाँ है? यह संगठित रिटेलरों को हतोत्साहित होने पर क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में घुसने की क्या तैयारी है? सरकार ने आयात शुल्क बढ़ा दिए और एक डंपिंग रोधी चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में भारत पहले से अधिक अंतराभिमुख होता जा रहा है। सवाल यह है कि व्यवस्था कैसे खुल सकती है या अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकती है? प्रतिस्पर्धी इकाइयों को वे बाजार से निकाल बाहर कर दे रहे हैं जो प्रतिस्पर्धी नहीं है। पराजित ही जीत रहे हैं। 5 लाख करोड़ डॉलर की मंजिल की राह यह तो नहीं है। चलिए, तो ये था हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्टिकल।